नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पांच चरणों के चुनाव के बाद आज झारखंड विधानसभा के रिजल्ट सामने आ रहे हैं और इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे झारखंड से जुड़े हुए ताजा नतीजों के बारे में। तो आपको बता दें कि झारखंड के चुनावों के लिए पांच चरणों में मतदान हुआ था और ये चरण थे। पहले चरण के अंतर्गत 30 नवंबर को मतदान हुआ था, वहीं दूसरा चरण 7 दिसंबर, तीसरा 12 दिसंबर, चौथा चरण 16 दिसंबर, वहीं पांचवा चरण 20 दिसंबर को हुआ था और इन पांचों चरणों के चुनाव परिणामों को आज यानी 23 दिसंबर को घोषित किया जा रहा है। तो ताज़ा परिणामों पर अगर नज़र डालते हैं तो झारखंड के 24 जिलों के 81 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुए थे, जिनमें से जो परिणाम सामने आ रहे हैं उनके अनुसार बीजेपी को 26 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में लगभग 45 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर बात करें झारखंड विकास मोर्चा JVM की तो उसे 3 सीटें, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को 3 सीटें और अन्य के खाते में भी 4 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अब बात करते हैं झारखंड चुनावों के दौरान की गई रैलियों की। तो मोदी और शाह के द्वारा 9-9 रैलियां की गई थीं और जिनके द्वारा 81 में से लगभग 60 सीटें कवर करने का प्रयास किया गया था और ताज़ा नतीजों के अनुसार लगभग इन 60 सीटों में से 40 सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं राहुल प्रियंका गांधी की रैलियों की, तो मोदी और शाह की तुलना में लगभग 3 गुना कम रैलियां की थीं, लगभग 6 रैलियां इन दोनों लोग के द्वारा की गई थीं जो 24 सीटों को कवर करती हैं और इन परिणामों के मद्देनज़र 7 सीटों पर कांग्रेस अभी आगे चल रही है। अब नरेंद्र मोदी की रैलियों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने गुमला में रैली की थी जो सिसई, गुमला और विष्णुपुर जिलों को कवर करती है। 2014 में यहां की 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन 2019 के चुनाव परिणामों की बात करें तो एक भी सीट बीजेपी को मिलती हुई नहीं नज़र आ रही है। वहीं डाल्टनगंज में दूसरी नरेंद्र मोदी की रैली थी जो पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद को कवर करती थी। 2014 में 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, वहीं यहां पर 1 सीट का फायदा होता हुआ दिख रहा है और 4 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है। खूंटी की रैली की बात करें तो खूंटी और तोरपा 2 विधानसभा क्षेत्रों को इस रैली के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी ने कवर करने का प्रयास किया था और यहां पर भी बीजेपी को फायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। 2014 में जहां 1 सीट बीजेपी को मिली थी, वहीं इस बार बीजेपी के हाथों में दोनों सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बरही में बरकट्ठा, बरही, बड़का गाँव, रामगढ़, मांडू, हजारीबाग विधानसभा को कवर करने के लिए प्रयास किया गया था और 2014 में भी यहां पर 1 सीट ही जीत पाई थी बीजेपी और 2019 में स्थितियां भी लगभग उसी तरह से दिखाई जा रही हैं। वहीं बोकारो की बात करें तो बोकारो में चंदन कियारी, बोकारो, गोमियो, बेरमो की रैलियों को 14 में जहां इन विधानसभा क्षेत्रों में से 2 सीटों पर भाजपा का कब्जा था, वहीं 1 सीट के नुकसान के साथ 2019 में भाजपा को 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। दुमका रैली के द्वारा दुमका, जामा, जरमुंडी और शिकारी पाड़ा को कवर करने का प्रयास नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जहां बीजेपी ने 2014 में 1 सीट जीती थी और इस बार भी लगभग 1 ही सीट दिखाई दे रही है। बरहेट की रैली के द्वारा राजमहल, बोरिया और बरहेट विधानसभा सीटों को कवर करने का प्रयास नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 2014 में जहाँ इन तीनों विधानसभा में से 2 सीटों पर भाजपा का कब्जा था, वहीं 2019 के जो परिणाम आ रहे हैं उनके अनुसार 1 ही सीट पर बीजेपी काबिज होती हुई दिख रही है। वहीं अगर अमित शाह की रैलियों की हम बात करते हैं तो अमित शाह की रैली मनिका में हुई थी जो मनिका और लातेहार विधानसभा सीट को कवर करता है और 2014 में 1 विधानसभा सीट भाजपा के कब्जे में थे, वहीं इस बार 1 भी सीट भाजपा के कब्जे में आती हुई नहीं दिख रही है। वहीं 1 रैली अमित शाह ने लोहरदगा में की थी, ना तो 2014 में ही ये सीट बीजेपी के हाथों में आई थी और ना ही 19 में ऐसा होता हुआ दिख रहा है। चक्रधरपुर की रैली की अगर बात करें तो चक्रधरपुर रैली के माध्यम से चाईबासा, मझगांव, जरनाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर विधानसभा सीटों को कवर करने का प्रयास बीजेपी और अमित शाह के द्वारा किया गया था
और अगर हम इन विधानसभा सीटों के परिणामों की बात करें तो 2014 के परिणामों में भी एक सीट यहां से बीजेपी को नहीं मिली थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। गिरिडीह की रैली के द्वारा राजधन बार बगोदर, जमुआ, गांडेय, गिरिडीह और डुमरी विधानसभा सीटों को कवर करने का प्रयास किया गया था 2014 में। जहां इन सभी विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी, वहीं इस बार 3 सीटों पर काबिज होती हुई दिख रही है। अगर हम देवघर की बात करते हैं तो देवघर की रैली के माध्यम से बीजेपी और अमित शाह ने मधुपुर, सारठ और देवगढ़ की विधानसभा सीटों को कवर करने का प्रयास किया था, लेकिन जहां 2014 में 2 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी, वहीं 2019 के चुनावों में सिर्फ एक ही सीट बीजेपी के कब्जे में आती हुई दिख रही है। चतरा रैली के माध्यम से चतरा और सिमरिया विधानसभा को कवर करने का प्रयास किया गया था, जहां पर एक विधानसभा 2014 में बीजेपी के हिस्से गई थी और इस बार एक भी सीट नहीं मिलती नजर आ रही है। अगर हम अमित शाह की 6वीं रैली गढ़वा की बात करते हैं तो गढ़वा में रैली करते हुए उन्होंने गढ़वा और भवनाथपुर नाम की 2 विधानसभा सीटों को कवर करने का प्रयास किया था 2014 में। जहां एक सीट बीजेपी के हिस्से आई थी, वहीं इस बार भी लगभग एक सीट ही बीजेपी के हिस्से आती हुई नजर आ रही है। वहीं 2 जिलों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक एक रैली की थी। पूर्वी सिंहभूम जो जमशेदपुर पूर्वी, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर और पश्चिमी, जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट को कवर करता है। यहां 2014 में 4 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, वहीं इस बार एक सीट ही सामने आ रही है। धनबाद में सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी और बाघमारा विधानसभा सीट के लिए किए गए प्रचार रैली के दौरान की गई रैली के द्वारा 2014 में 4 सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल की थी, वहीं लगभग इतनी ही सीटें 2019 के चुनाव में भी मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं राहुल गांधी ने सिमडेगा, बड़का गांव, बीटीआई मिश्रा, राजमहल और महगामा में 6 रैलियां की थी। और 2014 की बात करें, अगर जिन विधानसभा क्षेत्रों को इन रैलियों के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया गया, तो 2014 में इन क्षेत्रों से 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई थी। वहीं अगर इस बार की बात करते हैं तो लगभग 6 सीटें बीजेपी को हरा करके कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी एक रैली की थी जो पाकुड़ में हुई थी, और इस रैली के माध्यम से पाकुड़, महेशपुर और लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र को कवर करने का प्रयास किया गया था। 2014 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो एक सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, वहीं लगभग इतनी ही सीट फिर से 2019 में भी कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।